जय बाबा धनसर की, कहते हैं बड़ी। पूरी हो जाती थी। पिछले काफ़ी टाइम से यहाँ पर मतलब पिकनिक स्पॉट बन गया था, और पीछे आपने सुना भी होगा कि 2018 में यहाँ पर जो भी घटना घटी बड़ी दुखद थी, नहीं होना चाहिए था। बट एक किसी भी तीर्थ स्थान की एक गरिमा होती है, उस गरिमा को अगर कोई भी भंग करेगा तो ईश्वर उसका जवाब जरूर देते हैं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी जगहों को, कम से कम ऐसी जगहों को पवित्र रहने दें। और वैसे तो घूमने फिरने के लिए पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, कहीं भी जाएं, पर ऐसी जगहों को छोड़ें, इनकी गरिमा बनाए रखें। ये देखिए फ्रेंड्स, व्यू देखिए। मैंने मंदिर पहले नीचे हुआ करता था, बट अब ऊपर है, यहाँ पर मत्था टेका, मंदिर यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले बिल्कुल झरने के बराबर में था, मैं भी दिखाऊँगी नीचे आपको, बिल्कुल झरने के बराबर में नीचे साइड में मंदिर हुआ करता था, वहाँ मत्था टेकते थे। मैं 2018 फेब में आई थी यहाँ पर, तब ठीक था और मंदिर भी नीचे था, हमने वहाँ नीचे दर्शन भी किए थे और कुछ नहीं था, ठीक था सब कुछ। बट उसके बाद जो हुआ, बड़ा मतलब बहुत फील हुआ कि नहीं होना चाहिए था ऐसा। कितने लोग हताहत हुए थे, कितने लोग उन्हें अपनी जान दे दी, तो वो अच्छा नहीं लगा। तो ऐसी जगहों पे कम से कम धार्मिक जगहों को आप बख्शें। यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, और ड्राइवर भैया ने बोला है कि यहाँ पर थोड़ी दूरी पर एक डैम है, तो चलो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हम डैम पे आ चुके हैं, और सच में ड्राइवर भैया ने सही बोला था, वाकई में देखने लायक जगह है। भैया बहुत बता रहे थे कि यहाँ पर कोई आता नहीं है, स्पेशली हमें देखना है, तो वो दिखाने के लिए हमें लाए। और काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, शांत, कोई ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह इस तरह का कुछ भी नहीं था। जब हम आ रहे थे तो दो तीन गाड़ियाँ ही हमारे साथ थी, जिसमें से एक हमारी भी थी। फ्रेंड्स कहते हैं कि यहाँ का जो बिजली प्लांट है वो इसी डैम से ऑपरेट होता है, और मैंने देखा काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये देखिए, नीचे हमने जाने के लिए पूछा था पर परमिशन नहीं थी, तो हमने ऊपर से ही ये सारा रिकॉर्ड किया है। तो इसमें देखा, नीचे सिर्फ एक ही गेट खुला हुआ था, तब पानी का इतना फ्लोर था। सोचिए अगर ये सारे गेट खुल जाए तब पानी का फ्लोर कितना होगा।
ये देखिए एक ही गेट खुला हुआ है, सिर्फ एक गेट। बहुत खूबसूरत जगह है और इसके बराबर में ही बिजली प्लांट लगा हुआ है सारा, जहाँ बिजली बनती है। शायद कटरा में इसी से प्लांट्स के थ्रू ही बिजली जाती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, बट मुझे लगा कि इतना बड़ा प्लांट है तो ऐसे ही नहीं होगा। फ्रेंड्स, हम आगे के लिए निकल चुके हैं वापसी के लिए। अब हम यहाँ से जाएंगे धनसर बाबा। धनसर बाबा का वैसे तो आपने बहुत वीडियो देखी होगी, पर आज हमारी वीडियो में आपके लिए कुछ खास है। चलिए देखते हैं क्या। ये देखिए फ्रेंड्स, धनसर बाबा ने साक्षात नाव देवता के रूप में यहाँ पर दर्शन दिए हुए हैं। यही स्पेशलिटी है आज के वीडियो में, जो हर किसी को नहीं मिलती, हमें मिली है, हमने आपसे शेयर करी। जय बाबा धनसर। यहाँ का जो व्यू है वो बहुत बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप जितना देखोगे उतना देखने का मन करेगा, और जितनी बार देखोगे उतनी बार दोबारा आने का मन करेगा। व्यू बड़ा शानदार है, और ख़ास तौर पे ये रेनी सीज़न में तो ये और भी ज़्यादा चार चांद लगा रहा है खूबसूरती को। जब मौसम दो दो मिनट में मौसम चेंज हो जाता है, बादल, हवा, पानी, हर ग्रीनरी कितना सुंदर लग रहा है। देखिए आप, आपने बहुत बार देखा होगा वैसे ये सब, बट इस मौसम में कुछ ज़्यादा ही खासियत। फ्रेंड्स, धनसर बाबा पे हमने दर्शन किए बाबा के, तो हमने वहाँ पर थोड़ा किसी से बात की कि भाई यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ पानी वगैरह है और हम वहाँ बैठ सकें थोड़ा सा। तो उन्होंने हमसे बताया कि थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ से एक नदी आ रही थी, वो मैंने ऊपर से हमेशा देखी थी, बट उसमें पहली बार उसे इतने पास से देखा है। तो आप लोग जब भी आएँ इस जगह ज़रूर व्यू करें, देखें यहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। आप यहाँ मतलब पानी ऐसा था सिर्फ कांच से भी ज़्यादा साफ। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, मतलब कोई गंदगी नहीं, और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ बैठने पर, और मतलब इतना रिलैक्स फील कर रहे थे कि बता नहीं सकते आपको। ये सब फील करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो में वो फीलिंग नहीं मिलेगी जो वहाँ की वादियों में थी। ये देखिए बहुत सुंदर जगह थी फ्रेंड्स, मैंने पहली बार देखी है। आप लोग जब भी आए यहाँ पर जरूर आए। ये देखिए पानी का फ्लोर देखिए कितना खूबसूरत है। फ्रेंड्स, रास्ते में एक मंदिर आता है पंचमुखी हनुमान, एक बार आप यहाँ भी जाके एक बार ट्राई करें। अब फ्रेंड्स, हम वापसी के लिए निकल चुके हैं, और मैं पहुँचने वाली हूँ कटरा। मैं कटरा रेलवे स्टेशन पर हूँ। यहाँ पर ऊपर एक एसी लॉज है, ऊपर मैंने पहली बार देखा, मुझे पता नहीं था, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आराम से, हमारी ट्रेन में थोड़ा सा टाइम था तो मैं यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर आके मैंने देखा कि यहाँ का जो मेन्यू वगैरह है उसके प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, और खाना भी बहुत अच्छा है, और साथ में मतलब ठीक लगा मुझे। एक एसी लॉज के इतने पैसे मतलब ठीक लग रहा था। मैंने फ्रेंड्स खाना खा लिया और मैंने अपना कॉफ़ी पी ली, और कॉफ़ी पी के अब हम निकलेंगे अपने ट्रेन के लिए। फ्रेंड्स, हम फिर आ गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन अपने ट्रेन के लिए, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इतना नीट एंड क्लीन स्टेशन पहली बार देखा है, और हमेशा जब भी देखो ना इसको उतना ही साफ लगता है। ट्रेन आ गई है हमारी, अब हम वापसी के लिए दिल्ली के निकलेंगे। फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहती हूँ, मैंने पहला ब्लॉग बनाया है और पहली बार ट्राई किया है कि आप लोग मेरे कुछ कर सकूँ, तो अगर कोई गलती हो, कुछ हो, कमी हो, तो प्लीज़ माफ़ करना, और अगर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ शेयर भी करना, ताकि मैं आगे आपके लिए अगर कोई ब्लॉग बनाऊँ तो आपके हिसाब से वो ठीक कर पाऊँ। फ्रेंड्स, मैं आते वक्त कुछ शूट नहीं कर पाई थी, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया आप लोगों के लिए कि दिल्ली से कटरा वगैरह के लिए जो रास्ता जाता है उसमें बीच में कौन कौन से व्यू पड़ते हैं। प्लीज़ इंजॉय करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके ये लाइक शेयर हमें बहुत हिम्मत देते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ट्रेन से खाना नहीं लिया था, मैंने जम्मू से खाना मंगाया था ऑर्डर पर, बट बिल्कुल बेकार था, जैसे ट्रेन में मिलता सेम वैसे ही था। तो खाने का आप देख लेना कैसे करना, और अब हमारी ट्रेन आगे चल चुकी है, दिल्ली पहुँच के मिलते हैं। फ्रेंड्स, दिल्ली आ गए हम, और बस इतना ही कहूँगी कि अपना प्यार बनाए रखें, ताकि हम दूसरी वीडियो में आपसे मिलें। जय माता दी।